सुपौल में हुए 3 दुकानों में चोरी को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिला। बता दें कि लोगों ने SH-91 पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से 2 घंटे से ज्यादा तक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन दिया और पूरे मामले को शांत करवाया। बता दें कि जिले के भगवतपुर में बीती रात 3 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया था, जिसके बाद लोगों का ये गुस्सा देखने को मिला। ताला तोड़ करके ले गया, अभी तक हम अंदर गए नहीं है, क्योंकि पुलिस जब तक नहीं देखेगा हम उसमें छुएंगे नहीं उसको, बस यही बात है। ताला तोड़ दिया है, अब इसमें कितना भी निकाला नहीं निकाला ये हमने, मोहम्मद शमशाद खान। न आंधी न बारिश, अब 12 घंटा 13 घंटा रात में कटे छे, विश्वास है छे कि जे ही चोरी करवा रहल छे। सही बोलता है। रात में कितना दुकान चोरी हुआ? रात में यहाँ 2-3 दुकान में चोरी हुआ है। इससे पहले भी घटना हुआ था क्या? बराबर यहाँ घटना होता है लाइन कटने के बाद। अरे चोरी का घटना है, चोरी हो गया है चौक पे 3 घर में, और ये बराबर घट रहा है। आज से 2 दिन पहले जो है धीरेन्द्र जाकर उधमपुर का जो है मोटरसाइकिल उठा के ले गया, उसकी भी सूचना दी गई थाना में। अभी जो है रात में लाइन जो है कट गया, अंधेरा होने के कारण भी ये जो है समस्या चोर को जो है फायदा मिल गया। और ज्यादा जानकारी के साथ सुपौल से हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लोगों का आक्रोश है, लेकिन ये आक्रोश क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? देखिए, ये सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर चौक की घटना है। बराबर यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही कहले या मनमानी कहले, कि इसके वजह से अक्सर रात के समय जो है बिजली गुल रहती है, जिस वजह से चोरी की घटना को चोर अंजाम दिया करते हैं। यही क्रम में जो है बीती रात जो है अज्ञात चोरों के द्वारा जो है 3 दुकान का शटर तोड़ दिया गया, ताला तोड़ा गया और दुकान के सामान को चुरा ले गए, जिसको लेकर लगातार स्थानीय दुकानदारों के द्वारा जो है प्रशासन से कंप्लेन की जाती थी, लेकिन प्रशासन का इसमें कोई अहम भूमिका नहीं देखा गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने SH-91 को जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अक्सर ये चोरी जो हो रही है इसे कैसे लगाम लगाया जाए, प्रशासन इस पर ना तो कोई लगाम लगा रहे हैं और ना ही इसमें बिजली विभाग जो है बिजली देने में जो है कोई उपाय कर रहे हैं। तो जिसको लेकर के तमाम ऐसे समस्या थी, जिसको लेकर दुकानदार जो है आक्रोशित थे और टायर जलाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि घटना को लेकर के स्थानीय छातापुर पुलिस है वहां पे पहुंचे और लोगों को आक्रोशित लोगों को शांत कर समझा बुझाकर जाम को हटाया और आश्वासन दिया कि लगातार अब बिजली रहेगी, चोरी की घटना नहीं होगी, पुलिस की गश्ती बढ़ा दी जाएगी, अब आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।